राजस्थान की नई सरकार का पहला बजट आया है। दीया कुमारी ने बजट विधानसभा में पेश किया है। खासकर पूर्वी राजस्थान में कैसा मिला, क्या रहा, राजस्थान में क्या मिला? चूंकि भरतपुर से हैं तो भरतपुर के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री वो भरतपुर से हैं, यहाँ लोग हैं। सर, आज जो बजट आया राजस्थान का, आपकी पहली प्रतिक्रिया? आपके राजस्थान तक चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को लिए भी नमस्कार। अभी जो भजनलाल सरकार का लेखानुदान आया है बजट, निश्चित रूप से सराहनीय है, राजस्थान को विकास करने वाला है। कोई भी तबका इस बजट में अछूता नहीं रहा। जब पिछली सरकार में लगातार पर्चे आउट हुए, 18 में से 17 पर्चे आउट हो गए, राजस्थान का युवा ठगा गया, किसानों को कर्जे माफ़ करने की कहा, किसान राजस्थान का किसान ठगा गया, अपराध राजस्थान में भयंकर अपराध बढ़े, महिला और दलितों के साथ अत्याचार हुआ, आज उल्टा हो रहा है। जो ये बजट है राजस्थान को राहत देने वाला है, 70,000 युवाओं को रोजगार देने वाला ये बजट है, जबकि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ बेरोजगारी भत्ता तक बंद कर दिया था। इसके अलावा वृद्धों के लिए वृद्ध अवस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, बसों में 50% की छूट दी गई है, नई बच्ची पैदा होते ही लाडो योजना के तहत 1 लाख का बॉन्ड दिया गया है, किसानों के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी पालन के लिए बगैर ब्याज के ऋण दिया जा रहा है, किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की इस बजट में घोषणा है। निश्चित रूप से ये बजट राजस्थान का चौमुखी विकास करने वाला ये बजट है। इस बजट हर संभाग का इसमें विकास होगा। नेशनल हाईवे पे जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसमें एम्बुलेंस देने वाला बजट है, तो निश्चित रूप से इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। अभी ये लेखानुदान है, 4 महीने बाद बजट आएगा, निश्चित रूप से भरतपुर को भी बहुत सारी सौगातें मिलेंगी, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय बजट है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यूथ भी हमारे पास, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो लागू किया, मैनिफेस्टो में जो वादे दावे किए, क्या इस बजट में वो पूरे हो रहे हैं? अभी ये बजट में अभी पूरी तरीके से ये बजट आया नहीं है। जब जैसे जैसे बजट के लिए 4 महीने निकलेंगे और नया बजट आएगा, शायद उनमें सारी चीज़ें कवर करें, इन चीज़ों को अभी पूर्ण रूप से कवर नहीं की गई हैं, पर आने वाले 4 महीनों के बाद जो पूर्ण अपना बजट आएगा उसमें सारी चीज़ों को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी चीज़ों को कवर करेंगे और सभी बेरोजगारी को दूर भी करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के विकास में पग पग बढ़ते जा रहे हैं और हमारा पूरा जो नया यूथ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के साथ ही है। तिवारी जी, 4 महीने का बजट है, लेकिन कहते हैं कोई भी जब स्कीम आती है तो उसका एक दर्पण जो प्रस्तावना होती है वह दिखा देती है कि आपकी किताब कैसी होगी। तो निश्चित ही रूप से जो टेलर है वो टेलर से पता लग रहा है कि बजट राजस्थान को गति देने वाला है, विकास देने वाला है, और इससे सरकार का मंशा भी प्रकट हो रही है कि राजस्थान का किस तरह युवाओं को, किसानों को, बुजुर्गों को किस तरह आगे ले जाना चाहती है सरकार। मोदी आए थे भरतपुर विधानसभा चुनाव में, सभा की थी, वादा किया था डबल इंजन की सरकार बनते ही वेट पे काम किया जाएगा, डीजल पेट्रोल समानांतर किया जाएगा और जो पड़ोसी राज्य है। आज बैठ की जैसे स्थिति ले लें, हर राज्य का अलग अलग बैठ है। राजस्थान में पिछले गहलोत सरकार ने इसका बैठ ज़्यादा बढ़ा दिया था। इस बैठ की स्थिति यह कि जोधपुर में पेट्रोल और डीजल किसी भाव पर बिक रहा है, बीकानेर में किस भाव पर बिक रहा है, भरतपुर में अलग अलग रेट है, राजस्थान में बैठ की इसकी समीक्षा की जा रही है। राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय भजनलाल जी दिल्ली में बार बार इस दृष्टि से मिल रहे हैं और पूरे देश में मंथन चल रहा है कि एक जैसा बैठ पूरे देश में लागू हो, तो निश्चित ही इसकी समीक्षा मोदी जी के आदेश अनुसार इसकी समीक्षा चल रही है और शीघ्र ही भरतपुर की जनता को, राजस्थान जनता को राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, बीजेपी की नई सरकार राजस्थान में बनी है और नया बजट, पहली बार नई सरकार का नया बजट है, 4 महीने के लिए है, लेकिन जो ट्रेलर है उसको देखते हुए लोग खुश हैं। एक और भी आए हैं हमारे पास, बजट को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, राजस्थान में कैसा लगा आज आपको बजट? बजट सराहनीय बजट है,
इसमें व्यापारी वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सराहनीय बजट दिया गया है। पेट्रोल डीजल पे बैठ का मामला तो सुलझा नहीं? नहीं सुलझ जाएगा सर, इस पर चल रहा है, बहुत जल्दी इस पर भी कमी आएगी। अच्छा, हाँ बहुत जल्दी आएगी सर। आप पेट्रोल कहाँ से, यहीं से लेते हैं यूपी से जाते हैं? नहीं यहीं से लेते हैं सर। यहीं से लेते हैं? आपको कम नहीं लगता होगा डीजल पेट्रोल की कीमत, मतलब ज़्यादा नहीं लगते होंगे? नहीं नहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सही हो जाएगा बजट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के लोग खुश हैं कहीं ना कहीं नई सरकार के नए बजट, पहले बजट को लेकर खुश हैं लोग, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमत पे कहीं ना कहीं कमी आई जाए, जिससे लोग परेशान भी हैं।